हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि इंसेक्ट है, यहाँ पे एक पेस्ट कह लीजिए, उसकी वजह से 9 लाख एकड़ जो चिल्ली क्रॉप है उसको साउथ इंडिया में फ़र्क पड़ा है। यानी चिल्ली क्रॉप जितना भी लगाया गया था उसका बहुत नुकसान हुआ है। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी आंध्र प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं उनको बता दूं, स्टडी IQ के पास स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आंध्र प्रदेश PSC, SSC, TET, GK, EMI पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, एक नई स्पीशीज़ है इंसेक्ट की जो कि चिली के क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रही है। और यहाँ पे ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, साउथ इंडिया में जहाँ जहाँ चिली का क्रॉप है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस इंसेक्ट का नाम है थ्रिप्स पार्विस्पाइनस। ओके, थ्रिप्स पार्विस्पाइनस। ये एक इन्वेसिव इंसेक्ट है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन्वेसिव स्पीशीज़ कौन सी होती है। ऑल्दो हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ यू शुड नो कि जिस इंसेक्ट की हम बात कर रहे हैं ये एक इन्वेसिव इंसेक्ट है जो कि इंडोनेशिया में पहली बार देखा गया था 2015 में, और उसके बाद ये बहुत रैपिडली स्प्रेड हुआ है बाकी के कंट्रीज़ में। चिली क्रॉप को इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने बताया 9 लाख एकर्स तेलंगाना में, इतने एरिया में नुकसान हुआ है और आंध्र प्रदेश में भी। तो इसका नाम इंसेक्ट का याद रखिए। और दूसरा, ये इन्वेसिव है। प्रिंट मीडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में भी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। अब जो साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे भी उन्होंने इंस्पेक्शन किया, जहाँ पे भी चिल्ली ग्रो होती है वहाँ पे ये स्पीशीज़ से इन्फेस्टेशन हो रही है। और इन्फेस्टेशन इतनी सीवियर है कि आपको हर एक बड में, हर एक फ्लावर में 20 to 25 इंसेक्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक में एक इंसेक्ट दिख रहा है आपको, एक बड में 20 to 25 इंसेक्ट्स का मतलब है कि ये बहुत ही सीवियर इन्फेस्टेशन है। अब यहाँ पे स्टेट्स रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट्स की तरफ से आने लगी हैं कि इस चीज़ को अब कैसे कंट्रोल किया जाए। वेट भी किया जा रहा है एक्सपर्ट्स की राय के लिए। अब यहाँ पे इसका कॉज क्या है, इस इन्फेस्टेशन का रीज़न क्या है? तो एक रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सेसिव यूज़, आप कह जिसको हम बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स का यहाँ पे हुआ है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो हम पेस्ट को मारने के लिए यूज़ करते हैं। और इससे जो इंसेक्ट है उसने डेवलप कर लिया है रेजिस्टेंस। अब इस पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से समझिए। देखिए, जब भी हम लोग भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमेशा कहा जाता है कि सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, डॉक्टर को जाके दवाई लीजिए। क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से क्या होता है कि हम नॉर्मल, हमको कुछ खांसी ज़ुकाम हुआ है, लेकिन हम इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले लेते हैं कि उससे डिजीज़ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको दवाइयों का असर होना बंद हो जाता है। तो ये कितनी खतरनाक बात है कि आज जिस कोल्ड के लिए, जिस फीवर के लिए या किसी बीमारी के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं वो असर कर रही है आपकी बॉडी में। कल को वो जो हमारी बॉडी के दुश्मन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस जो हैं, उन पे दवाइयों का असर होना बंद हो जाए तो ये कितना एक खतरा आप यहाँ पे समझ सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए हो सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है कि जिन पेस्ट्स को मारने के लिए जो दवाइयाँ यहाँ पे यूज़ की जाती थी वो इतनी ज़्यादा यूज़ कर ली गई कि वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो गया है इन इंसेक्ट्स में। अब उन पर असर नहीं हो रहा पेस्टिसाइड्स का। अब ये जो इन्फेस्टेशन है चिली क्रॉप से वेजिटेबल क्रॉप्स पे भी फैल गई है, बाकी कॉटन प्लांट्स पे भी अलग अलग जगह स्प्रेड हो रही है। क्वालिटी और यील्ड जो चिली क्रॉप की है इस सीज़न में तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने ही वाली है। अब अलग अलग एरिया तेलंगाना में, जैसे वारंगल है, खमाम है, गुंतूर है, आंध्र प्रदेश के अलग अलग एरियाज़ हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जिस क्रॉप में इन्फेस्टेशन था उसको जड़ से उखाड़ दिया और उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव क्रॉप लगा दिया गया है। ऑल्दो नुकसान जो होना था वो तो हो ही गया है। अब इनिशियली क्या था, जो फार्मर्स थे वो सोच रहे थे कि शायद ये इंसेक्ट कोई माइट्स हैं, तो इस वजह से गलत पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते रहे और यहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा हो गया इनमें। और अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, उनकी राय ली जा रही है कि किस तरीके से इस इंसेक्ट से छुटकारा पाया जाए। अब कुछ एरियाज़ में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, वहाँ पे नीम ऑयल, नीम केक्स रिकमेंड किए जा रहे हैं यूज़ करने के लिए। अब ये जो इंसेक्ट है थ्रिप्स पार्विस्पाइनस, ये एक इन्वेसिव इंसेक्ट स्पीशीज़ है जैसे मैंने आपको बताया, और ये इंसेक्ट स्पीशीज़ प्लांट को फ्लावरिंग स्टेज पे ही इन्फेस्ट कर देता है और उसके जो फ्रूट की जो ग्रोथ है उसको वहीं पे रोक देता है। अब जितनी भी ये फीमेल थ्रिप्स ये इंसेक्ट हैं बहुत सारे एग्स ले करती हैं वहाँ पे थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है कि आपको मेल की ज़रूरत नहीं होती, ओके। और ये जो सैप आपको लीफ में मिलता है ये उस पे फीड करती हैं और फ्रूट पे भी फीड करती हैं, जिससे क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा कि इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या होते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज़ को हम एलियन स्पीशीज़ भी बोलते हैं या फिर इनको इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ कहा जाता है। ये इस तरह के एग्जॉटिक स्पीशीज़ हैं जो कहीं बाहर से इंट्रोड्यूस होकर नए इकोसिस्टम में आते हैं। दैट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया ये इंडोनेशिया से इंट्रोड्यूस हुआ, इंडिया में नहीं था, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में नहीं था, ये बाहर से इंट्रोड्यूस होकर आया और वहाँ के इकोसिस्टम में ये डोमिनेशन शो करने लग जाते हैं, ओके। तो इससे जो वहाँ की ओरिजिनल नेटिव बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक स्पीशीज़ के जिससे आप उसको इन्वेसिव स्पीशीज़ कहते हैं। वो रैशियस फीडर्स होते हैं, किसी भी चीज़ पे फीड करने लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल कंडीशंस को विदस्टैंड करते हैं। इन्वेसिव इंसेक्ट्स जो इंडिया में हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी थ्रेट है हाउस होल्ड कॉमोडिटीज़ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, और इंडिया में कोशिश की जाती है, इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल पे कोशिश की जाती है इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए कि इससे हम कैसे छुटकारा पाएँ, क्योंकि बायोलॉजिकल इन्वेशन जो है एक अच्छी बात नहीं, इसको बायोलॉजिकल पोल्यूशन में भी आप इंट्रोड्यूस मतलब बोल सकते हैं। अब ये इन्वेशन कैसे होता है, ये इंट्रोड्यूस कैसे होते हैं, पाथवेज क्या हैं इन्वेशन के, कि अगर ये इंसेक्ट इंडोनेशिया में था किस तरीके से इंडिया में पहुंचा। तो इसी तरह से कोई भी इन्वेसिव स्पीशीज़ हो कहीं पे भी हो तो उसका कोई ना कोई पाथवे होगा ना कि वो कैसे वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। तो अलग अलग तरीके होते हैं, हो सकता है कि कोई फ्रूट्स की कंसाइनमेंट या कोई वेजिटेबल की कंसाइनमेंट किसी बाहर कंट्री से आई हो उसमें पेस्ट आ गया हो गलती से, इस तरीके से भी आपके इन्वेशन होते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं। ट्रांसपोर्ट जब एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में इन्वेसिव स्पीशीज़ होता है, जैसे ये तो इंसेक्ट की बात है, जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग कई बार शिप्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, कई बार कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सो देयर आर वेरियस पाथवेज। जैसे मैंने कहा एक पाथवे हो गया कंटैमिनेंट कि कोई कंसाइनमेंट आया उसमें कोई पैथोजन या इंसेक्ट आ गया। लिविंग इंडस्ट्री पाथवे, ट्रेड जो हो रही है हमारी, एक्वेरियम ट्रेड, पेट ट्रेड, लाइव सी फूड ट्रेड, उसके थ्रू इंट्रोड्यूस हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है एप्पल वुली एफिड्स जो हैं वो इंडिया में एंटर हुए थे, हमने एप्पल रूट स्टॉक इंग्लैंड से मंगवाया था, उसके साथ ये एफिड्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गए, पहले नहीं पाए जाते थे। तो ऐसा एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन हो सकता है, अनइंटेंशनल ट्रांजिट हो सकता है, कार्गो शिपमेंट्स एयर लैंड वाटर के थ्रू जो होती है। तो ये तीन मेजर पाथवेज हैं जिससे ये इन्वेसिव स्पीशीज़ एक जगह से दूसरी जगह में इंट्रोड्यूस होते हैं। अब इनको मैनेज कैसे करना है तो अलग अलग तरीके हैं कि कोई कंसाइनमेंट आया उसको आप क्वारंटीन कीजिए, उसको एक जगह रखिए, देखिए उसको ऑब्जर्व कीजिए। पोस्ट क्वारंटीन हो सकता है, उस पर आप कुछ स्प्रे कर दीजिए कि कोई इस तरह का इंसेक्ट जो किसी कंसाइनमेंट में आ गया है वो ज़िंदा ना बच पाए। तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं आप जिस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। तो IUCN ने भी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में कहा था कि हमको हर देश को, NGO को इसमें सतर्क रहना होगा अगर हमको बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है तो इन्वेसिव स्पीशीज़ को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स मैंने डाले, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनको मैनेज किया जा सकता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज थ्रिप्स पार्विस्पाइनस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज, इन्वेसिव पेस्ट, इन्वेसिव फिश, टाइप ऑफ एल्गी। तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है क्वेश्चन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में। कमेंट सेक्शन में बताइए। इट्स ईजी, आज ही डिस्कस किया हमने, आप लेकिन आप टेलीग्राम में भी पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप वेबसाइट से लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।